प्रिय दर्शकों, ममता किचन रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सेम की सब्जी बनाना बताएंगे, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो सामग्री में हमने हरी ताजी सेम ले लिया है, दो बड़ी साइज प्याज बारीक काट लिए हैं, 7-8 कलियां लहसुन ले लिए हैं, 1 हरा मिर्च ले लिए हैं। ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो और भी मिर्च डाल सकते हैं। 2 उड़द दाल की बड़ी है, मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। 1/2 छोटा चम्मच जीरा है। 2 बड़े साइज आलू को हमने छिलका उतार के छोटे पीस में काट लिया है और अच्छी तरीके धुल लिए हैं। 2 बड़े साइज टमाटर ले लिए हैं। मसालों में 1 चम्मच गरम मसाला है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 चम्मच धनिया पाउडर है। तो इन मसालों में हम पानी डाल देते हैं ताकि मसाले फूल जाएं, और फूल जाते हैं मसाले तो सब्जी बढ़िया बनती है। तो सभी सामग्री रेडी है, तो आइए सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सेम का छिलका उतार लेते हैं और काट लेते हैं। इस तरीके का रेशा होता है जिसे हम छिलका बोलते हैं, तो इसे हम निकाल लेते हैं। इसे हम छोटे पीस में काट कर तैयार कर लेते हैं। तो सभी सेम को हमने काट कर तैयार कर लिया है, ये देखिए। अब हम पानी डालकर अच्छी तरीके धुल लेते हैं। सेम को हमने अच्छी तरीके धुल लिया है और धुला हुआ आलू में डाल देते हैं। आइए अब गैस की तरफ चलते हैं। कढ़ाई में 1 छोटा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे, आलू सेम डाल देते हैं, इसे हम फ्राई कर लेते हैं। आलू सेम को हमें इतना फ्राई करना है कि जब तक इसमें का कलर चेंज ना हो जाए, सुनहरा कलर ना हो जाए, और गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। कलर चेंज होने लगा है, ये देखिए। सुनहरा कलर हो गया है। अब हम फ्राई किया हुआ आलू सेम निकाल लेते हैं। ये हमने दूसरे बर्तन में निकाल लिया है, ये देखिए अच्छी तरीके फ्राई हो गया है आलू सेम। वही कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच सरसों तेल डालेंगे, तेल अच्छी तरीके गर्म हो चुका। 1/2 चम्मच मेथी के दाने डालेंगे, 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, 1 उड़द दाल की बड़ी डाल देते हैं। जीरा मेथी के दाने चटकने देते हैं, बड़ी को भी थोड़ा भून लेते हैं। जीरा मेथी दाने बढ़िया से चटक चुके हैं, बड़ी भी भून गई है। कटी हुई प्याज हरा मिर्च डाल देते हैं। अब हम प्याज को अच्छी तरीके रोस्ट करेंगे। प्याज का कलर चेंज हो गया है, अच्छी तरीके भून गई है। कूटा हुआ लहसुन डाल देते हैं, थोड़ा लहसुन की कलियां को भी भून लेते हैं ताकि इसमें का कच्चापन खत्म हो जाए। अब हम मसाला डाल देते हैं, मसाला भी बढ़िया से फूल गया है। 1 छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च डालेंगे, ये तीखी नहीं होती, इससे सब्जी का कलर भी बढ़िया आता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। अब इन सभी को अच्छी तरीके भून लेते हैं। मसाले हमें इतना भूनना है कि जब तक मसालों में से खुशबू ना आने लगे। मसाला अच्छी तरीके भून गया है, मसालों में से खुशबू आने लगी है। अब हम कटा हुआ टमाटर डाल देते हैं, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, अच्छी तरीके मिला देते हैं। फ्लेम मीडियम कर देंगे ताकि मसाले टमाटर जले ना। अब हम 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा देते हैं ताकि टमाटर अच्छी तरीके पक जाएं। 2 मिनट हो चुका, ढक्कन हटाएंगे। टमाटर अच्छी तरीके पक के तैयार हो गया है, तो इस तरीके हम मैश कर देते हैं। अच्छी तरीके हमने मैश कर दिया है, मसाला भी बढ़िया से भुन गया है, टमाटर भी बढ़िया से गल गए हैं। अब हम 1 छोटा ग्लास पानी डालेंगे। पानी आप अपने हिसाब से डालिए, जैसे सब्जी रसेदार पसंद करते हैं तो पानी ज़्यादा डालिए, और सब्जी गाढ़ी पसंद करते हैं तो कम डालिए।
अब हम फ्राई किया हुआ आलू सेम डाल देते हैं। अब इसे भी अच्छी तरीके मिला देते हैं। अब हम 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा देते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम हाई रखेंगे। 5 मिनट हो चुका, ढक्कन हटाएंगे। सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई। ये देखिए आलू भी अच्छी तरीके पक के तैयार हो गया है। गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। अब हम हरा धनिया डाल देते हैं। तो आज की सेम की सब्जी की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइए। एक बार इस तरीके सब्जी बनाइए, खाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत ही टेस्टी बनती है और साथ में हमारे सेहत के लिए हेल्दी भी है। ये देखिए अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। आप इसे पूरी पराठा चावल रोटी के साथ खाइए, जिसके साथ आप खाना पसंद करते हो उसके साथ खाइए। तो आज की हमारी सेम की सब्जी की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हर वीडियो अब तक आसानी से पहुंचे। हमारी रेसिपी शुरू से आखिरी तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यह सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और इस तरीके बनाइए, बच्चे से बूढ़े तक मांग मांग कर खाएंगे। 4 के बजाय 6 रोटियां खाएंगे। तो मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।